हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम बनाने वाले एक ऑटोमेटिक वीट फार्म, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी 2 चेस्ट, 8 वाटर बकेट्स और डिस्पेंसर और हॉपर्स और ग्लास और कुछ ओक प्लैंक्स और रेडस्टोन और रेडस्टोन रिपीटर। तो सबसे पहले हम डिस्पेंसर्स लगा देते हैं। डिस्पेंसर्स लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने बेस ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो मैं बता देता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये जो पहला वाला जो है, ये 8 की लंबाई है, 8 ब्लॉक्स की है। और इसकी विड्थ सबकी 8 ब्लॉक की विड्थ है। पहले वाले की लंबाई सिर्फ 8 ब्लॉक है, बाकी ऊपर की देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 7 ब्लॉक की है, क्योंकि पानी 8 ब्लॉक तक ही आता है। तो मैं ऊपर की 7 ब्लॉक रखी है, ताकि यहाँ से पानी जब फ्लो के नीचे जाए तो यहाँ आखिरी तक जाके रुक सके और यहाँ हम कलेक्ट कर लें। तो चलिए, अभी हम पहले डिस्पेंसर्स लगा लेते हैं। डिस्पेंसर्स का फेस इस तरफ होना चाहिए, इस तरह से, और अब हम अपना कलेक्शन एरिया बनाएंगे। तो मैं चेस्ट यहाँ रख रहा हूँ और इसको हॉपर से कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से। और अब हमें रेडस्टोन का काम करना है, तो हमें उसके लिए डिस्पेंसर के पीछे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से। लग गया, यहाँ लगाना। अब हमें रेडस्टोन का काम करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे, अगर बटन आएगा तो यहाँ से मुझे रेडस्टोन लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे एक रेडस्टोन रिपीटर लगाना है, उस तरफ फेस किया हुआ। बस सब में यही रिपीट करना है, बस हमें प्रोसेस। इस तरीके से यहाँ एक रिपीटर, और अब हमें यहाँ पे रेडस्टोन्स लगाने हैं। और अब यहाँ पे यहाँ रिपीटर एक, और अब हमें इसके डिस्पेंसर्स के ऊपर भी रेडस्टोन्स लगा देने हैं, इस तरीके से। हमारा रेडस्टोन वाला काम अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये डिस्पेंसर्स में पानी अभी नहीं, बाद में भर दे रहे। एक बटन चाहिए रहेगा, लेकिन मैं बटन लाना भूल गया, तो कोई नहीं, बना लेता हूँ। यहाँ पे आएगा बटन, और अब हमें इस सारे डिस्पेंसर्स में पानी भर, एक एक पानी की, अरे गिर गया है, तो एक एक पानी का बकेट डाल देना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमने डिस्पेंसर्स में वाटर बकेट्स डाल दिए, 8 डिस्पेंसर है तो 8 वाटर बकेट्स हमने इसमें डाल दिए। और अब हमें चाहिए होंगी 2 वाटर बकेट्स। हमें एक यहाँ पे पानी फ्लो करवाना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं ये पानी नीचे तक जाएगा, वहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा। सेम प्रोसेस हमें इस यहाँ भी करना है। अब हमें इसे ढकना है ताकि जब हम इसे स्टार्ट करें तो वीट गिर के पानी में ना चले जाए और पानी भी फ्लो के नीचे ना चले जाए। तो इसीलिए बस इसी तरीके से इसे ढक देना है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इन दोनों को ऊपर से प्लैंक से ढक दिया है, क्योंकि अगर पानी यहाँ वहाँ चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे चेस्ट के ऊपर ग्लास लगा देना है। ताकि पानी रुक तो जाएगा लेकिन वो वीट को बाहर ना फेंकते, इसीलिए तो हमें इसे रोकने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो गलत इसके आगे लगाना था। थोड़ी गलती हो गई। ये हॉपर्स के आगे लगाना था यहाँ। इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ चेस्ट लगानी पड़ेगी हमें। और अब क्लासेस यहाँ आएंगे। कुछ इस तरीके से ताकि ये हॉपर में गिर जाए। वो मैंने पहले गलती कर दी थी, यहाँ पे ऊपर लगा दिए थे क्लासेस। तो अब हमें यहाँ पे हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे वीट लगाने पड़ेंगे। तो मैं फटाफट से वीट लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब उग गए हैं, लेकिन कुछ कुछ नहीं उग गए हैं। बहुत टाइम लग गया इनको उगाने में। तो अभी हमको बस एक बटन दबाना है और ये सब पानी के ज़रिए आ जाएंगे नीचे। तो देखते हैं क्या होता है। सेटिस्फाइंग लगता है जब पानी इनको लेके आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ कुछ रह रहे हैं और पीछे भी हैं। तो मुझे लगता है मुझे इसकी बॉर्डर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बाकी सब अच्छा है। ये देखिए हमारा वीट इसमें कलेक्ट होता जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।